Police have arrested a person in Madhya Pradesh's Gwalior district on Friday for his alleged involvement in the murder of a woman, said officials. The arrested accused has been identified as Akash Jadun, 24, resident of Sabalkar in Morena district. According to the police, he was the prime accused in the murder of a woman who was shot dead under Madhavganj police station limits on July 29. मॉर्निंग में पुलिस एनकाउंटर हुआ है थाना कंपू क्षेत्र में. उसमें जो घायल हुआ है व्यक्ति, उसकी शिनाख्त हुई है कि वो आकाश जादौन है. आकाश जादौन मुरैना सबलगढ़ का रहने वाला है और इसके अगेंस्ट में अभी जो माधुगंज थाना क्षेत्र में एक महिला की गोली मार के हत्या हुई थी, उसके केस में फरार था. आज रात में पुलिस ने कॉम्बिंग अभियान चलाया था और कॉम्बिंग अभियान का उद्देश्य यही था कि जितने फरार वारंटी और अपराधियों की गिरफ्तारी की जाए. लेट नाइट ये क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली कि एक ऐसा आरोपी है जो हत्या के मामले में फरार है और ये शिवपुरी लिंक रोड से होते हुए शीतला माता रोड से फरार होने की कोशिश कर रहा है. इस सूचना के आधार पर थाना प्रभारी क्राइम ब्रांच और उनकी दो टीमें माउंट की गई और उन टीमों ने जब इसको रोकने की कोशिश की तो ये जो रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक के किनारे इसने भागने की कोशिश की गई. उसी दौरान इसके द्वारा पिस्टल से पुलिस पर फायर किया गया. पुलिस पार्टी ने भी आत्मरक्षा में गोलियां चलाई हैं और उसमें यह घायल हुआ है. इसको अभी अस्पताल लेके आए हैं और इसकी जो शिनाख्त हुई है वो हत्या का जो आरोपी था अशोक यादव, उसके रूप में हुई है. इसका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है, बाकी मौके की कार्रवाई की जा रही है. देखिए, जो माधोगंज में 29 तारीख को जो केस रजिस्टर्ड हुआ है उसमें एक प्रमुख आरोपी सुहेम करके है, उसकी गिरफ्तारी की गई है और ये प्रमुख आरोपी अशोक जादौन है, ये अभी हॉस्पिटल में है, इसकी गिरफ्तारी कार्रवाई की जाएगी. देखिए, अभी घटनास्थल को सील किया गया है. घटनास्थल पर FSL की टीम और IU पहुंचे हैं. सारी चीजें स्पष्ट होने के बाद बताया जाएगा इसमें.